राजस्थान सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी और श्रमिकों को घर लाने की तैयारी अब शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अन्य राज्यों से सहमति के बाद ही श्रमिकों को लाया जाएगा। इसी के साथ दूसरे प्रदेशों के प्रवासी और श्रमिकों को भी उनके घर भेजा जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रवासी और श्रमिकों को हेल्पलाइन नंबर 1800-1806127 और इसी के साथ में emitra.rajasthan.government.in पोर्टल या फिर ईमित्र कियोस्क पर पंजीकरण करवाना होगा। इसी के साथ कोरोना से बचाव के लिए नियत स्थान पर पहुंचने के बाद प्रवासी और श्रमिकों को क्वारंटीन किया जाएगा। जो प्रवासी या श्रमिक कर्फ्यू का पास लेकर निजी वाहनों से आएंगे उन्हें राज्य में एंट्री प्वाइंट पर रजिस्ट्रेशन के बाद आने दिया जाएगा। सीएम ने अफसरों को साफ निर्देश दिए कि इस आवागमन के दौरान स्क्रीनिंग और जांच की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। परिवहन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, स्क्रीनिंग के समय धैर्य भी बनाए रखें तथा कोई भी जानकारी नहीं छुपाएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त न्यूज रूम से सीधा लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। दिनेश, यहां पर प्रवासी श्रमिक और जो प्रवासी राजस्थानी है उन्हें लाने और भेजने की कवायद मुख्यमंत्री ने शुरू कर दी। काफी ज्यादा सीरियस सुबह के मुखिया यहां पर शुरुआती दिनों से ही है और उसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अब निर्देश भी दे दिए गए। क्या आगे की यहां पर कवायद रहेगी और किस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया होगी? बिल्कुल, देखिए जयती, प्रवासी हो या श्रमिक हो उनको लाने की पूरी व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है। इसकी तैयारी राज्य सरकार की ओर से शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो श्रमिकों हैं उनकी समस्याओं को लेकर पहले से ही काफी गंभीर हैं। इसको लेकर जब भी प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की वीसी हुई तो इसको पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उठाया गया कि श्रमिक जो रास्तों में फंस गए हों या दूसरे स्टेट में फंसे हों उनको उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। जिसके बाद अब केंद्र सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से ये पूरा जो है वो राज्यों को ऊपर छोड़ दिया गया है। अब एक राज्य सरकार है, दूसरी राज्य सरकार से संपर्क करेगी और उसके बाद ही श्रमिकों को लाने और ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए तमाम जो कोर ग्रुप के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की और वीसी के जरिए इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कि जो श्रमिक दूसरे राज्यों में हो या यहाँ के जो श्रमिक हैं उनको वहां पर घर तक पहुंचाया जाए। जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पहले ही नोडल ऑफिसर तय किए गए थे। सभी स्टेट्स में जो आईएएस अधिकारी हैं उनको लगाया गया था कि जो राजस्थान के प्रवासी श्रमिक जो हैं उनको राजस्थान लाया जाए, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाए। सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रवासी श्रमिक हैं उनकी सूची उपलब्ध करवाई जाए। देखिए, इंस्ट्रक्शन जिस तरह के निर्देश दिए जारी किए गए हैं उसके अनुसार जो श्रमिक हैं उनको अपना पंजीयन करवाना होगा। टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, साथ ही पोर्टल पर या ऑनलाइन ईमित्र के जरिए सभी जो श्रमिक हैं उनको अपना पंजीयन करवाना होगा और पंजीयन के बाद राज्य सरकार की ओर से जो नोडल ऑफिसर हैं या राज्य सरकार जो उस स्टेट की सरकार से संपर्क करेगी और संपर्क के बाद ही श्रमिकों को लाने और ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। लगातार इस तरह के सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे दूसरे स्टेट के जो श्रमिक हैं राजस्थान में फंसे हुए हैं उनके ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी गंभीर थे। राजस्थान में भी जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनके लिए शेल्टर होम खोले गए। शेल्टर होम में जो श्रमिक जिस तरह पलायन की खबरें सामने आ रही थी, शेल्टर होम बनाए गए और शेल्टर होम में उनके खाने और रहने की पूरी व्यवस्था की गई। देखिए, जो श्रमिक अब जिनको लाया जाएगा उसके लिए सरकार की ओर से जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद दिनेश, आपको फिलहाल रुकना चाहूंगी। राजस्थान से आपको खबर बता रहे हैं हम। राजस्थान में प्रवासी श्रमिक और प्रवासी जो राजस्थानी है उनको राजस्थान से अपने गृह राज्यों को भेजने के लिए और बाहर जो प्रवासी और श्रमिक फंसे हुए हैं उन्हें अपने राजस्थान में फिर से लाने की कवायद यहां पर मुख्यमंत्री ने शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर की गई। दिशा निर्देश में यह साफ कर दिया गया कि दूसरे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सहमति के बाद ही और राज्य की सहमति के बाद ही श्रमिकों की और प्रवासी जो राजस्थानी है उनके यहां पर आवागमन यहां पर शुरू हो पाएगा। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली जी हमारे साथ में फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगी टीकाराम जी। सूबे के मुखिया ने यहाँ पर साफ कर दिया कि किस प्रकार से जो प्रवासी राजस्थानी हैं और श्रमिक हैं जो दूसरे राज्यों में फिलहाल फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने की कवायद यहाँ पर शुरू हो चुकी है। एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर निर्देश दिए गए। साथ ही में राजस्थान में जितने भी श्रमिक दूसरे राज्यों के हैं उन्हें भी भेजने के लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। काफी ज्यादा गंभीर है सूबे के मुखिया, क्या ये प्रक्रिया रहेगी? ये एक बहुत ही चिंता का विषय भी था और श्रमिक इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे।
कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों के अंदर वो फंसे हुए हैं, उसके लिए सभी मजदूरों के भी लगातार मैसेज आ रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर चिंतित थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की थी, गृह मंत्री जी से बात की थी, और हमने उनको ये बात रखी कि इसका किसी भी तरीके से कोई रास्ता निकाल के इसका समाधान होना चाहिए। तो उन्होंने रास्ता निकाला है, जो स्टेट इसके लिए तैयार है, जिन्होंने हाँ की है, वहां उस बॉर्डर तक वो स्टेट उन श्रमिकों को पहुंचाएगा और उससे आगे हमारी सरकार उन सभी श्रमिकों को लेके आएगी। इसके लिए 43 IAS और IPS अधिकारी हैं जिनको ये पूरी कमान सौंपी गई है, और पूरे देश के अंदर कल से एक नया मोबाइल नंबर जो लाइन है लेबर की, वो कल से अलग से जारी की जाएगी। जो प्रवासी श्रमिक है उस पर वो अपने वहां पे नोट कराएंगे, और उसके बाद उन सभी श्रमिकों को वहां से बॉर्डर तक लाया जाएगा। बॉर्डर पर लाने के बाद में उनको अलग से रखा जाएगा, उनके खाने की रहने की सारी व्यवस्था की जाएगी, और उसके बाद वहां से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो जाएंगे वहां पे फिर संबंधित जिला कलेक्टर को उन सबको भेजा जाएगा, और उसके बाद संबंधित जिला कलेक्टर उनको उनके गाँव तक पहुँचाएगा। इस दौरान पूरे रास्ते के अंदर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और उनके एक सीट पे एक ही व्यक्ति बैठे, और खाने की सारी व्यवस्थाएं और उसके सैनिटाइजेशन की सारी व्यवस्थाएं, सारे जो भी नियम है वो सारे फॉलो किए जाएंगे, और उनकी जांच की जाएगी और उनको होम आइसोलेट या होम क्वारंटाइन के अंदर रखा जाएगा। जी ठीक है राम जी, मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे। श्रमिकों के लिए यकीनन एक राहत की खबर है कि अपने अपने गृह राज्यों में लौटने की बात होगी। कई मौकों पर देखा गया कि लोगों ने कहा कि हमें खाना पीना बाद में चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए कि हम अपने गृह राज्य सकुशल पहुंच जाए। तो इस कदम को उठाकर मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर सामाजिक सरोकार तो पेश कर दिया, किस प्रकार से जो फिलहाल क्या संख्या है श्रमिकों की जो राजस्थान से बाहर है, और राजस्थान में कितने राज्यों के श्रमिक फिलहाल है, इसकी जानकारी आपसे चाहूंगी। देखिए इसमें एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते, पर मोटा मोटी हम माने तो लगभग 1.25 लाख और 2 लाख के आसपास हमारे श्रमिक हैं जी, जिनके फोन कॉल वगैरह आया है वो जो बाहर हैं जी, और लगभग 35 से 45 हजार के आसपास अदर स्टेट के श्रमिक हमारे यहाँ पे हैं जी। तो ये स्थिति एक श्रमिकों की है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रवासी श्रमिक जो हमारे यहाँ पे रुके हुए थे, हमारे सूबे के मुखिया आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के निर्देशन में सभी लोगों की रहने की खाने की पूरी व्यवस्था की गई, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हम श्रमिकों को नहीं आने दे रहे हैं। और इसके अलावा भी जो हमारे श्रमिक दूसरे स्टेट के अंदर हैं जी, वहां पे भी लोकल स्टेट से सरकार से कोऑर्डिनेशन करके वहां पे भी हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का हमने प्रयास किया है। जी 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 टीकाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सारी चर्चा हमारे साथ में की और तमाम जानकारी आगे के प्रक्रिया को लेकर हमारे साथ में साझा की, हमारे दर्शकों के साथ में साझा की। मैं आपको बताना चाहूंगी राजस्थान में यहाँ बड़ा कदम राजस्थान सरकार ने उठाया, प्रवासी श्रमिक और प्रवासी राजस्थानियों के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए, साफ तौर पर ये कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के जितने भी नियम हैं उनको मद्देनजर रखते हुए प्रवासी राजस्थानी और प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों में जो फंसे हुए हैं और दूसरे राज्यों के श्रमिक और प्रवासी राजस्थानी जो यहां पर हैं उन्हें भेजने और लाने की कवायद यहां पर शुरू की जाएगी। और अधिक चर्चा के लिए मेरे सहयोगी दिनेश कसाना फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से लाइव। दिनेश, आपने सुना अभी श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली को किस प्रकार से उन्होंने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा की, कहा कि 1.25 लाख वो संख्या है अनुमानित जिसके प्रवासियों ने कॉन्टेक्ट किया है राजस्थान में और उनको आगे भेजने की कवायद अब शुरू की जाएगी तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ पर सुरक्षा के प्रिकॉशंस को मद्देनजर करते हुए। बिल्कुल, देखिए हेल्थ प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जाएगी। जो श्रमिकों को अन्य स्टेट से लाया जाएगा उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, और क्वारंटाइन में सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जो विभाग है उनको निर्देशित किया गया, परिवहन विभाग को समुचित जो बसों की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया, साथ ही चिकित्सा विभाग को खांसी जुकाम और कोरोना की जांच के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही जिला प्रशासन को क्वारंटाइन सेंटर्स, सीमा में क्वारंटाइन सेंटर्स, उनके भोजन और रहने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स के साथ ही जिन श्रमिकों को लाया जाएगा दूसरे स्टेट्स में या यहाँ से जिन श्रमिकों को दूसरे स्टेट्स में भेजा जाएगा उनके हेल्थ प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये अपील भी की है श्रमिकों से कि पूरी तरह से डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें और प्रशासन का पूरा सहयोग भी इसमें करें।
जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद दिनेश। आपको राजस्थान से खबर बता रहे थे, प्रवासी श्रमिक और राजस्थानियों को भेजने और दूसरे राज्यों से लाने की यहां पर कवायद मुख्यमंत्री ने शुरू कर दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और तमाम यहां पर कवायद अब शुरू कर दी गई है। फिलहाल